वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, MBBS प्रोवाइस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज का टॉपिक है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हमने पिछले वीडियोस में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का बेसिक कर लिया था और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बता दी थी। आज हम डिफाइन करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बहुत ईजीएस्ट तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग वैसे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बेसिक करते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या होती है। सपोज करो ये एंटीजन है, ये एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया। हमारी बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स है, हमारी बॉडी इसके खिलाफ एक इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एक नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तब कब बोलेंगे हम इसको, जब हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स है बॉडी का, वो इस एंटीजन के खिलाफ अवर रिएक्शन शो करे, मतलब अवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम टू आर डेट एंटीजन। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव मतलब अति हो जाए, किसी भी चीज़ की अति हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के, चार टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, और ये जो टाइप 4 है, यहाँ ये सेल मीडिएटेड होता है। सेल मीडिएटेड मतलब CD4 से CD8 सेल है, उनसे ये रिलेटेड होता है। ठीक है, टाइप 2, टाइप 3 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो बेसिक होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या है, कोई भी एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून रेस्पॉन्स अवर रिएक्शन शो करे, उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। यहाँ पर हम भी डिफाइन करें रिएक्शन गाइस, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनते हैं। अब गाइस इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये टाइप 2 के अंदर भी बनते हैं और टाइप 3 के अंदर भी बनते हैं। तो क्या डिफरेंस है, टाइप 2 टाइप 3 के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं दोनों के अंदर, तो डिफरेंस क्या है गाइस। टाइप 2 के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है गाइस, वो फिक्स्ड होता है, वो डिपॉजिट होता है फिक्स्ड मेम्ब्रेन्स पे। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, फिक्स्ड मेम्ब्रेन पे, मतलब फिक्स जगह पे डिपॉजिट होता है। जबकि टाइप 3 के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो मोबाइल होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन वर्क करती है। क्लियर, तीन तरीके से वर्क करती है। पहला है ऑप्शनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है आपका इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तीसरा होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिक शरी। ठीक है, तीन होते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे पहला वाला, ऑप्शनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक, क्या होता है ऑप्शनाइजेशन, देखो ये कोई भी बैक्टीरिया है, ये कोई भी बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया एंटीजन मान लो या बैक्टीरिया मान लो, ठीक, एंटीजन है, इस एंटीजन को डिटेक्ट कौन करता है, एंटीबॉडी, और वो इसके बाइंड हो जाते हैं, ये एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड होगी। ठीक है, एंटीबॉडी बाइंड होगी, ये हमारे पास इधर मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनको ये एंटीजन या फिर ये बैक्टीरिया बढ़िया नहीं लगता, ठीक है, नॉर्मली बढ़िया नहीं लगता, लेकिन जब ये बैक्टीरिया या फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है, ये एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है, तब ये मैक्रोफेज को बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, तो ऑप्शनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, ऑप्शनाइजेशन होता क्या है, जब कोई भी बैक्टीरिया एंटीबॉडी से बाइंड हो जाए और वो टेस्टी हो जाए, टेस्टी मतलब खाने में अच्छा, किसके लिए, मैक्रोफेजेस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शनाइजेशन। तो मैक्रोफेज क्या बोलेगा, भाई ये एंटीजन या फिर ये जो माइक्रोब है एंटीबॉडी से बाइंड है, तो अब मैं तो इसको खाऊंगा क्योंकि ये टेस्टी लगेगा क्योंकि एंटीबॉडी बाइंड है। ठीक है, तो सेल कोटेड विद IgG एंटीबॉडी, जो भी आपके सेल है या फिर जो भी माइक्रोब है वो अगर एंटीबॉडी से बाइंड है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शनाइज्ड। ठीक है, वो मैक्रोफेज फिर उसको खा जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रोसेस, कैसे खा रहा है। ठीक है, ऑप्शनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। क्लियर, इसके एग्जांपल है, इस जो मैकेनिज्म से बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की, उसमें एग्जांपल है हिमोलाइटिड डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, वो इस मैकेनिज्म से ही होती है। ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शंस आप देखते हो वो भी इस मैकेनिज्म से ही होती है। ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमियाज जो होता है वो भी इस मैकेनिज्म से होती है। ड्रग रिएक्शंस होती हैं वो भी इस मैकेनिज्म से होती हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है, यहाँ पर कोई भी माइक्रोब आया, उसको यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड की, एंटीबॉडी जैसे ही बाइंड की, माइक्रोब बोलेगा यस अब तो एंटीबॉडी बाइंड कर गई, अब मैं इसको खा जाऊंगा क्योंकि जो टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस की आपकी फीलिंग समझनी है यहाँ पे इस मैकेनिज्म में। सेकेंड आता है इन्फ्लेमेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इन्फ्लेमेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है गाइस, यहाँ पर देखो एंटीबॉडी जो होता है ये फिक्स्ड टिश्यू में बाइंड हो जाता है। ठीक है, कैसे बाइंड हो जाता है,
मान लो एंटीबॉडी का एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना, ये आपके फिक्स टिश्यूज हैं उन पर बाइंड हो जाएगा। जैसे ये बाइंड होता है ना गाइस, जैसे ही एंटीबॉडी आपका फिक्स टिश्यू पे बाइंड होगी, जैसे ही बाइंड हुआ वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पूरा मैंने समझाया हुआ है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे C3A C5A मीडिएटर्स रिलीज होंगे। जैसे ये मीडिएटर रिलीज होते हैं गाइस, ये मीडिएटर्स बोलेंगे न्यूट्रोफिल को, भाई न्यूट्रोफिल तुम कहाँ हो, तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है। न्यूट्रोफिल को बुलाएंगे, जैसे न्यूट्रोफिल को बुलाएंगे गाइस, न्यूट्रोफिल बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करेगा, बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए मोटिवेट करेगा, और जैसे ही बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे टिश्यू इंजरी अपने आप हो जाएगी। तो समझ में आ गया दूसरा मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन कैसे काम करता है, ठीक है, क्लियर। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं गुड पास्टर सिंड्रोम, ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे मैकेनिज्म की। तीसरा मैकेनिज्म एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें गाइस इसकी मैकेनिज्म में कोई भी टिश्यू इंजरी नहीं होती। हमने यहां पर देखा दूसरे मैकेनिज्म में हमने देखा यहाँ पर टिश्यू इंजरी हो रही थी, पहले मैकेनिज्म में हमने देखा यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हो रही थी, लेकिन तीसरे मैकेनिज्म में एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिक में ना तो टिश्यू इंजरी होती ना कोई इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन क्या होता है, हमारे पास कोई भी रिसेप्टर है उनके खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिसेप्टर आर प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी रिसेप्टर है हमारे पास उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है इस मैकेनिज्म में। तो जैसे ही एंटीमाली रिसेप्टर है, ठीक, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी इस रिसेप्टर से बाइंड हो गई। जैसे बाइंड हो गई यहाँ पर ये रिसेप्टर काम करना बंद कर देगा। एग्जांपल से समझेंगे, बहुत रिलैक्स होकर समझेंगे, टेंशन ना लो। हम बात करें जैसे ग्रेव डिजीज का एग्जांपल है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी का, कैसे वर्क करता है। जैसे ये थायरॉयड फोलिकुलर सेल है, ये अभी खुश है, ठीक है। इस थायरॉयड फोलिकुलर सेल पे ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, TSH रिसेप्टर, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। ये नॉर्मली वर्क करता है तो थायराइड हार्मोन नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, लेकिन एंटी-TSH एंटीबॉडी यहाँ पर आ जाती है। ये एंटी-TSH एंटीबॉडी आ गई, एंटी-TSH एंटीबॉडी, ठीक है, ये आ जाती है और इस पर बाइंड हो जाती है। ये एंटीबॉडी आ गई, इस पर बाइंड हो गई। अब ये एंटीबॉडी इस TSH रिसेप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेती है, बोलती है भाई TSH रिसेप्टर अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मेरे कंट्रोल में हो, मैं जैसे बोलूंगी वैसा तुम करोगे। ये एंटीबॉडी ऐसे बोलती है इसको, इस रिसेप्टर को, ठीक है। तो जैसे ही TSH रिसेप्टर इनके कंट्रोल में आया, ये एंटीबॉडी के कंट्रोल में सारा चीज़ें आ जाती है, और एंटीबॉडी बोलती है कि तुम जो थायरॉयड हार्मोन है उसको एक्सिस में करो, एक्सिस में सिक्रेट करो, थायरॉयड एक्सिस में जो थायरॉयड हार्मोन है उसको एक्सिस में सिक्रेट करो। जैसे ही एक्सिस में सिक्रेट होता है यहाँ पर आपको एक कंडीशन मिलती है हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसे हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज का मैकेनिज्म समझ में आ गया कि जैसे जो थायरॉयड फोलिकुलर सेल है, ये आपके थायरॉयड फोलिकुलर सेल है, इसके ऊपर जो TSH रिसेप्टर है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे ही एंटीबॉडी बनती है वो उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, अपने कंट्रोल में जैसे ले लेती है वो अपना हुक्म चलाती है कि भाई तुम अब थायरॉयड एक्सिस में सिक्रेट करने लग जाओ। जैसे ही थायरॉयड एक्सिस में सिक्रेट करने लग जाते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपर थायरॉयडिज्म जैसे ही होगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, ग्रेव्स डिजीज। सेम एज इट इज हम दूसरा एग्जाम्पल ले मायस्थेनिया ग्रेविस। ये आपका प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर है, ये पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर है, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पोस्टसिनेप्टिक टर्मिनल, यहाँ पर आपके पोस्ट यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं पोस्टसिनेप्टिक। अब यहाँ पर ACH रिसेप्टर है, ठीक, ACH रिसेप्टर है, यहाँ ACH रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है एसिटाइलकोलिन की वजह से, ठीक। अब गाइस क्या होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस में इस ACH रिसेप्टर के खिलाफ ACH जो रिसेप्टर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी जैसे बनेगी ये रिसेप्टर काम नहीं करेगा, रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो स्पाज्म आ जाएगा, ठीक। तो मायस्थेनिया ग्रेविस आपका anti-ACH एंटीबॉडी यहाँ पर बन जाती है। तो दोनों एग्जाम्पल हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस टाइप 2 रिएक्शन के, हमने जितने पढ़े इसके एग्जाम्पल्स आपको पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका निमोनिक है माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, ठीक है। एम से मायस्थेनिया ग्रेविस एग्जाम्पल हो गया, बी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एग्जाम्पल हो गया, जी से ग्रेव्स डिजीज एंड गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया, आई से ITP हो गया, आर से रूमेटिक फीवर हो गया, ठीक है। एच से हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन अलग है, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन अलग है, ठीक है। पी से परनीशियस एनीमिया एंड पी से पम्पिगस वल्गरिस। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ये टाइप 2 सेंसिटिव रिएक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारा था आपका, और वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नोट्स चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे